कृषि कानूनों के विरोध में सड़कों पर उतरे किसानों को हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। पंजाब से लेकर हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात तक के रोज कमाने वाले लोग भी किसानों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सरकार ने कृषि सुधारों के तहत 3 नए कानून पारित कर उन्हें देश भर में लागू कर दिया और देश के किसान केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए इन कृषि बिलों के विरोध में नजर आ रहे हैं। कृषि बिलों के विरोध में किसानों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला रखा है, जिससे हर वर्ग का समर्थन भी मिल रहा है। दी परेशान कर रहा है किसान, सही है। जब किसी के गड़ामे के हाथ पड़ता है फिर ही अगला कुछ करता है, वैसे तो नहीं करता। जब हमारे मुंह से रोटी छीनेगा फिर और क्या करेगा। वो 3 महीने तो पंजाब में धरना लगाया, उसने कुछ नहीं किया। अब दिल्ली में आ गए, दिल्ली में बोल रहा है तो हम बातचीत करेंगे। 10-11 मीटिंग कर ली, कोई सिट्टा नहीं निकला। पंजाब से शुरू हुए किसान आंदोलन को अब पूरे देश में समर्थन मिलता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में भी न सिर्फ किसान बल्कि अन्य लोग किसानों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बंद का ये असर देखने को मिल रहा है जी, बस आज तो खड़े ही हैं, सब पूरा दिन हो जाएगा आज शाम तक जी। और कुछ गाड़ियां ट्रैफिक चल भी रहा है, कुछ बंद भी है, करीब करीब तो बहुत ट्रैफिक बंद है, पीछे बहुत गाड़ियां लगी हुई है। उनका राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में काफी व्यापक असर देखने को मिला। झारखंड की लाइफ लाइन कहे जाने वाली NH-33 पर वाहनों का परिचालन बिल्कुल नहीं के बराबर रहा। वहीं इसका सीधा असर रोज कमाने खाने वालों की जिंदगी पर पड़ा, जो 2 जून की रोटी के लिए तरसते नजर आए। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ आकाश भार्गव, न्यूज 11 भारत, रांची।